आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। खबर बलिया से है जहां नगर पालिका परिषद के सभासद और ईओ में जमकर झड़प हो गई। अधिशासी अधिकारी के बीच इस झड़प का वीडियो खूब वायरल भी हो रहा है। दोनों के बीच जब झड़प हुई तो इस दौरान पुलिस भी वहां मौजूद थी। फिलहाल मामला बढ़ता देख पुलिस ने सभासद को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि ददरी मेला स्थल पर बने नगर पालिका के कैंप ऑफिस में सभासद विकास पांडे ईओ दिनेश विश्वकर्मा को विरोध स्वरूप जबरदस्ती माला पहनाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान दोनों के बीच हाथापाई हो गई, जबकि सभासद ने नगर पालिका के ईओ और चेयरमैन पर घोटाले के आरोप लगाए हैं। उस भ्रष्टाचार का पूरा जो है उनको मैं रिपोर्ट कार्ड और उनको सम्मानित करने गया था फूल माले और जूता चप्पल के नाले के साथ। तो यही हुआ था। उसके बाद उन्होंने जो मैं सम्मानित कर रहा था तो उन्होंने मेरे साथ हाथापाई का जो है प्रयास किया। वहाँ पे और भी कुछ लोग थे उनके साथ, यानी मेरे ऊपर एकदम वो जूझ गए। कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है, मैं भी उस बोर्ड का हिस्सा हूँ। और बाकी तो आप देख ही रहे हैं कि आज नगर पालिका की स्थिति क्या है। आप लोग सोचिए कि स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर अभी तक ये सब 15 करोड़ रुपया ये कहाँ ले गए हैं किसी को कोई जानकारी। ऐतिहासिक ददरी मेला के कर्म कार्यालय में लगभग 2:30 बजे 2:15 बजे हम पहुंचे थे। पहुंचने के उपरांत प्री प्लानिंग करके विकास वार्ड नंबर 16 जो कि कई बार जान माल के लिए हमको धमकी दे चुके हैं और धमकियाते ही रहते हैं, ठीक कर देंगे, जान से मार देंगे। इसी क्रम में करीब 10 लाख रुपए की फिरौती भी मांग रहे हैं और एक पार्टनरशिपी में नाला सफाई का कार्य कराए थे जो कि नगर के नाले लगभग चौक रहे सफाई में। इस पर उच्च स्तरीय जाँच हुई तो भुगतान के लिए मनाही है, फिर भी हमने 3 लाख का भुगतान किए। जब जब ये सबसे आती है तब तक दबाव बनाते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं। इस तरह की इनके ऊपर पूर्व में भी मैं FIR दर्ज करा चुका हूँ। इसी क्रम में आज इन्होंने माला फूल और चूने से हमको लीपने पोतने का प्रयास किया जो कि मैंने FIR और तहरीर करके उनसे कोतवाली भेजा। बलिया से उमाकांत विश्वकर्मा, पब्लिक न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।